हाय फ्रेंड, मैं विकास चौहान सत्यम राठौर के साथ, और आज मैं बात करूंगा करीना कपूर से और बात कुछ उनके बारे में बताऊंगा, उनकी सुनूंगा। तो मैं उनसे मिलाने जा रहा हूं अभी थोड़ी देर में। वो लक्स साबुन का ऐड कर रही हैं अभी बात करेंगे, देखेंगे क्या कह रही हैं, उनका क्या विचार है इस लक्स साबुन के उसमें ऐड कर रही हैं जिस बारे में। तो हाय दोस्तों, बात करूंगा करीना कपूर से। जी करीना कपूर, क्या कहना चाहेंगी जो ऐड कर रही है इस लक्स साबुन का, तो क्या कहना चाहेंगी दर्शक लोगों से? हाय फ्रेंड्स, मैं करीना कपूर फिल्म इंडस्ट्री से। हाँ जी, मेरा ये कहना है ये लक्स साबुन वो भी लगाएगा, उसकी तुर्जा इतना मुलायम हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, तुर्जा मतलब हो जाएगा इसका, इतना सफेद भूरा बक मतलब चिकना चिकना हो जाएगा जी, 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 फूल जी। तुम लगाओगे तुम्हारा चेहरा एकदम मक्खन जैसा लगेगा, एकदम मक्खन मक्खन में से निकाल लिया किसी डाल के एकदम फूल। मेरा कहना है सब लक्स साबुन को इस्तेमाल कीजिए, हमारे ऐड को सब फॉलो लाइक कीजिए, हमारा चैनल है सत्यम सिंह कॉमेडी चैनल। तो क्या बोलते हैं करीना कपूर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या बोलते हैं मेरी एक भैंस है वो काली हो गई है, तो उसके लिए साबुन ले लिया जाए तो कैसा रहेगा? एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाँ ब्यूटीफुल मतलब सक्सेसफुल रहेगा नहीं? हाँ, एकदम सक्सेसफुल रहेगा एकदम। तो जैसे तुम्हारी ब्लैक बनियान जो है ना जी जी, तुम एक फिर उससे धोगे ना व्हाइट हो जाएगी इतना जादू है, इतना जादू है। और नहीं हो व्हाइट तो आके करीना करीब की तुम आके पूछ ले सकते हो। करीना कपूर जी, आपने क्या बोलते हैं लक्स साबुन लगाया, आपकी भूरी आंखें हैं, तो आपकी भूरी आंखें व्हाइट क्यों नहीं हुई? वो तो हमने आंखों पे नहीं डाला ना, इसकी वजह से भूरी आंखें नहीं हुई थी। तो आंखों में नहीं डाला, इसी वजह से आपकी आंखें भूरी नहीं हुई। बहुत धन्यवाद करीना कपूर जी, आपने मुझे टाइम दिया, और जाइए और क्या बोलते हैं आपकी दूल्हा क्या नाम है?